गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है सर आप लोगों तक? एक्चुअली स्टार्ट तो हमें वो मैप प्रैक्टिस करना था, बट अभी मैप प्रैक्टिस का कुछ कंटेंट मुझे रेडी करना है, उसको एक बार गो थ्रू करना है। पहले मैप में क्या कराना ये थोड़ा मैं क्लियर कर लूँ, फिर उसके बाद मैप प्रैक्टिस भी करेंगे। तब तक एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए, नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपना एग्ज़ाम पेपर अगर उठा के देखो तो नेशनल पार्क्स ऐसा टॉपिक है कि जिससे गारंटी है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व, ऑलमोस्ट गारंटी है कि इनसे सवाल आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए नेशनल पार्क हमारे लिए पढ़ना हो जाते हैं ज़रूरी। तो चलो सर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो नेशनल पार्क्स का सर मतलब क्या है? ये मतलब ऐसे पार्क हैं जो नेशनल लेवल के हैं, मतलब क्या है? देखो, हमने बहुत बेहतरीन तरीके से दुनिया में एंटर किया, विकास किया, डेवलपमेंट की, तरक्की की, हिंदुस्तान ने, दुनिया ने बहुत कुछ किया। लेकिन साथ ही साथ हमने ये नोटिस किया कि सर हम एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाने लगे। हमने पेड़ काटे, जंगल साफ किए, जंगल साफ करके अपने घर बनाए, लेकिन ये नहीं सोचा कि सर ये जो जंगल हमने साफ किए, ये जो जानवर यहाँ से बेघर हमने करे हैं, ये कहाँ जाएंगे? तो धीरे धीरे कई ऐसी स्पीशीज थी जानवरों की जो एक्सटिंक्ट होने लगी या जिनकी पॉपुलेशन गिरने लगी। अब सर गिर रही है तो गिर जाए, हमें उससे क्या लेने देना है? इंसानों की पॉपुलेशन तो नहीं घट रही है ना, लेकिन एनवायरनमेंट के रूल्स कहते हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज मेंटेन रहे। ठीक है, तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है? कि डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज मेंटेन रहे, यानी हर एक स्पीशी, चीता हो, बंदर हो, कुछ भी हो, सब अपना अपना एक रोल प्ले करते हैं, तो डाइवर्सिटी ज़रूरी है। तो अगर हम इन स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फिर हम ह्यूमन सर्वाइवल को नुकसान पहुंचाएंगे। पहली दिक्कत तो ये आई। ठीक है सर, दिक्कत तो समझ में आ गई। फिर 1970s का दौर आता है। 1970s में हम एक तरीके से, हमें दुनिया को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हमने इन्वायरमेंट को और अपने आसपास मौजूद स्पीशीज़ को यानी बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। फिर यहाँ से स्टार्ट होती है अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस की। ठीक है, जैसे आपका 1970s में आपको देखने को मिलेगा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन निकल के आता है। फिर जब 1970s में दुनिया अवेयर हो रही थी तो हिंदुस्तान कैसे पीछे रह जाता है, तो 1970s के दौर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास किया जाता है। ठीक है, इंडिया में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चल रही थी उस टाइम, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पास किया जाता है। ये बात करता है कि सर स्पीसीज को कंजर्व करना है। अब सर स्पीसीज को कंजर्व कैसे करोगे? या तो सर उनको एक एरिया में अपने घर पे ले आओ और उनको खिलाओ पिलाओ, मस्त उनको प्रोटेक्ट करो, लेकिन सर इससे उन्हीं को नुकसान होगा कि वो कभी होम सिकनेस उनको हो जाएगी, घर जैसा कभी वो फील नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा तरीका कंजर्व करने का ये है कि मान लो जैसे हमें चीता को प्रोटेक्ट करना है, तो हम क्या करें, जितने एरिया में वो चीता है या जो भी स्पीशी एक्स है, मान लो उसे प्रोटेक्ट करना है, तो जितने भी एरिया में वो स्पीशी रहता है उतने एरिया को हम क्या कर लें सर, फिक्स कर लें और वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दें। ठीक है, वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दें, तो इस तरह से हम उस स्पीशी को कंजर्व कर सकते हैं।
तो इस तरह से जब हम एरिया फिक्स करने लगे, रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगे, तो इन्हीं एरियाज को हम क्या कहते हैं? नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसी तरह के एरियाज को हम क्या कहते हैं सर? नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन सर तीनों में डिफरेंस क्या है? नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? अब ये बड़ा सवाल है। देखो, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व ये डिपेंड करते हैं यूटिलिटी पे। अगर किसी एक एरिया में कोई स्पेसिफिक स्पीशी, मान लो किसी एक बर्ड को ही प्रोटेक्ट करना है, कोई एरिया कंजर्व किया जा रहा है किसी एक स्पेसिफिक बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अगर सिर्फ एक स्पीशी की बात है तो वहां पर स्ट्रिक्टनेस कंपैरेटिवली कम रहेंगी। बट अगर हम एक एरिया में एक से ज्यादा स्पीशी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वहां पे कुछ प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और स्ट्रिक्टनेस हम ज्यादा रखते हैं, तो वो एरिया कहलाएगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रिक्टनेस आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी नेशनल पार्क। फिर उससे रिलेटिवली कम स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और अगर आपने सोचा कि सर मैं क्या करूंगा, मैं किसी एक एरिया की स्पीशी को, वहां पे रहने वाले प्लांट्स को, वहां की सॉइल को, उस एरिया के विलेजर्स को, उस एरिया के ट्राइब्स को भी मुझे प्रोटेक्ट करना है। अभी आप लोगों ने शायद साउथ की एक मूवी आई थी कांतारा, वो देखी हो। तो क्या होता है, कई ऐसे विलेजेस होते हैं जहां पर ट्राइब्स रहती हैं, वो ट्राइब्स के लिए वो जंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे एरियाज को हम क्या डिक्लेयर कर देंगे? बायोस्फीयर रिजर्व। तो जहां पर सिर्फ स्पीशीज का ही ध्यान नहीं रहेगा, वहां पर स्पीशीज का भी ध्यान दिया जाएगा, वहां पर रहने वाले पेड़ पौधे, वहां की एयर, वहां की वाटर बॉडीज, वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन, एवरीथिंग, सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो वो एक होल एरिया कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व में अगर स्ट्रिक्टनेस की बात करें तो सबसे कम होती है। अगर स्ट्रिक्टनेस के बेसिस पे अगर मैं कैटेगराइज करूं, ठीक है, तो स्ट्रिक्टनेस के बेसिस पे आप कह सकते हो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नेशनल पार्क में होती है, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन बायोस्फीयर रिजर्व। अब सर इनके क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए? तो इसके लिए हमने क्रिएट किया है सर एक इंटरनेशनल बॉडी, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? IUCN बनाता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व के अपने अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको यूनेस्को बनाता है। ठीक है, और गवर्नमेंट भी अपने अपने खुद के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है। जैसे इंडिया में कुछ बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को रिकॉग्नाइज हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व में IUCN रोल प्ले नहीं करता है। बायोस्फीयर रिजर्व के लिए कौन सी बॉडी आएगी? यूनेस्को काम आती है। अब सर जू जो है, जू घूमने के लिए बनाया गया। ठीक है, जू जानवर को, किसी भी स्पीशी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बनाया गया। जू किसके लिए बनाया गया? जस्ट फॉर योर फन। ठीक है, तो वो आपको बस अवेयर करने के लिए, स्पीशीज के बारे में बताने के लिए, और फॉर द पर्पज ऑफ टूरिज्म जू क्रिएट किया गया। ठीक है, तो जू इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है जी, गुड इवनिंग ताशी जी। ऑलराइट सर, तो ये नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये बात क्लियर है कि नहीं? यस और नो? अगर यहां तक समझ में आया तो प्लीज गिव मी थम्स अप। बाकी PDF आपको मिलेगी तो उसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वो सारी जो भी मैंने आपको शॉर्ट में जानकारी समझाई है यहाँ पर आपको मिल जाएगी, पूरी नेशनल पार्क की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो नेशनल पार्क की डेफिनेशन आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में मिलेगी। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है? अब देखो, ये तो आपकी अवेयरनेस के लिए, आपकी जानकारी के लिए ये सारी बातें बताई गई। आपसे इस तरह के सवाल नहीं पूछे आएंगे। आपसे सवाल सिंपल पूछता है कि आपको बोल देगा कि बताओ बनेरघट्टा नेशनल पार्क। ठीक है, डायरेक्ट सवाल आएगा कि बनेरघट्टा नेशनल पार्क किस स्टेट में?
या पूछ लेगा इंडिया का सबसे पहला या कह लो सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, या इंडिया का सर सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, इंडिया का या कह लो पूरी दुनिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है। इस तरह के कुछ फैक्चुअल आ जाएंगे, या सिंपली नेशनल पार्क देगा, पूछ लेगा बताओ भैया ये नेशनल पार्क आपका कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, तो हमारा पहला पार्ट है ये, इसी तरह के जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं उनको एक बार आप देख लो कि इंडिया का जो सबसे पहला नेशनल पार्क था उसको आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, बट उसका पहले क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल पार्क, तो हेली नेशनल पार्क 1936 में आज़ादी से पहले बना हुआ था, अब इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा। लार्जेस्ट नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, ये कहाँ मिलेगा, ये लद्दाख में मिलेगा। ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा सर, लद्दाख में। सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये कहाँ मिलेगा सर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा सर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड। ठीक है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहाँ मिलेंगे सर आपको, सबसे ज्यादा आपको नेशनल पार्क मिलेंगे मध्य प्रदेश में, 11। ठीक है, देखो टोटल अगर नेशनल पार्क आप देखोगे तो 100+ है, 75 रामसर साइट्स आपको मैंने प्रॉमिस किया था, 75 रामसर साइट्स याद करवाई। अच्छा, रामसर साइट में एक रामसर साइट मिस हो गई थी, उसके लिए वेरी सॉरी, वो लिख लेना बिहार की है, मैं पीडीएफ में अपडेट कर दूंगा। कंवर ताल, कंवर ताल कह लो या करवर ताल कहते हैं कई जगह पर, कंवर ताल ये बिहार की एक रामसर साइट है, ये मिस हो गई थी। ठीक है, बेगूसराय में, उसको कर लो तो आपके 75 रामसर साइट्स हो गई। तो इसी जैसे रामसर साइट्स हो गई, उसी तरह से 100+ भली नेशनल पार्क्स हों, बट ये सौ ये सारे नेशनल पार्क आप याद करोगे, और रामसर साइट के कंपैरिजन में नेशनल पार्क ज्यादा आसान होते हैं, जो लोग पहले ये कर चुके हैं उनको पता होगा। ठीक है, कि रामसर साइट के कंपैरिजन में नेशनल पार्क याद करना ज्यादा आसान है। इंडिया का पहला नेशनल मरीन नेशनल पार्क कहाँ है, वो आपको गल्फ ऑफ कच्छ में मिलेगा। ठीक है, टोटल 6 मरीन नेशनल पार्क है इंडिया में, गल्फ ऑफ मन्नार जैसे है तमिलनाडु में। फ्लोटिंग नेशनल पार्क ये मणिपुर लोकतक लेक में मिलेगा, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, ये तो कुछ सर हो गए आपके फैक्ट्स। ठीक है, तो एक बार फैक्ट्स आप अच्छे से देख लो, फिर इसके बाद सर अब हम शुरू करने जा रहे हैं नेशनल पार्क्स। इंपॉर्टेंट 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 क्या, स्टेट वाइज सारे नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे। ठीक है, कोई नेशनल पार्क आपका नहीं छूटेगा, सारे नेशनल पार्क अपन क्लास में करेंगे। ठीक है सर, बिहार का बोला था कंवर ताल, कंवर ताल कई जगह पर कबर ताल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम चीज है। लिख लिया, बढ़े आगे। ऑल राइट सर, तो भैया सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया से। ये जम्मू कश्मीर है और ये ऊपर ये लद्दाख है, तो जम्मू कश्मीर में आ जाओ।
सलीम अली, डचीगम, किश्तवर नेशनल पार्क। ठीक है, सलीम अली को सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, तो सिटी फॉरेस्ट कह लो या फिर सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, सलीम अली, डचीगम, किश्तवर, तो ये कहाँ होगा सर आपके? जम्मू कश्मीर में। और लद्दाख में जो आपको मिलेगा वो है आपका हिमिस नेशनल पार्क। ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट में टाइप कर दो सारे नाम, आसान है सर, सब आसान है। ठीक है, सलीम अली, सिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं ने, डचीगम और किश्तवर। ये हो गए जम्मू कश्मीर, लद्दाख की अगर मैं बात करूं, तो हेमिस। ठीक है, सलीम अली, डचीगम, किश्तवर और हेमिस, तो ये चार हो गए सर आपके जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के। ठीक है, हिमिस में आपको स्नो लेपर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। किश्तवर में आ जाओगे स्नो कॉक या फिर ब्राउन बियर देखने को मिल जाएंगे किश्तवर में। डचीगम बनाए 10 विलेजेस, डचीगम, डचीगम में जो डची है वो मतलब 10, और गम जो है उसका मतलब है विलेजेस, तो 10 गांवों को मिला के एक जगह बनाई गई है डचीगम। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, डचीगम, सलीम अली, किश्तवर, ये हो गए जम्मू कश्मीर, और हिमिस हो गया सर आपका लद्दाख, तो ये चार नेशनल पार्क हो गए अपने रेडी। नेक्स्ट इज हिमाचल, तो हिमाचल में सर 5 नेशनल पार्क करने, इसके लिए एक्रोनिम याद रखना हिमाचल के लिए, ग्रेट पिक्स। देखो एक्रोनिम सबके मत याद रखना, जिसके बताऊं उतने ही करना। सबके याद रखने में क्या होता है, या तो आप खुद से बनाओ तो याद रहेगा, सबके याद रखने में क्या होता है, फिर आप एक्रोनिम ही याद करते रह जाते हो, असल मुद्दा भूल जाते हो। ठीक है, कुछ एक्रोनिम रहते हैं ना तो वो तो दिमाग में बैठ जाते हैं। तो जैसे इसका है हिमाचल प्रदेश, ग्रेट पिक्स, ग्रेट से जोड़ लो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, क्योंकि देखो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही तो हिमालय नेशनल पार्क तो मिलेगा। तो पी से पिन वैली, आई से इंदर किला, के से खीर गंगा, एस से सिंबल बाड़ा। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबल बाड़ा। तो ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला और सिंबल बाड़ा। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क सर आपको कहाँ मिलेंगे? ये नेशनल पार्क आपको मिलेंगे सर हिमाचल प्रदेश में। कमेंट में जल्दी से टाइप करो ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, सिंबल खीर गंगा। ठीक है, और क्या ऐसा सिंबल बारा। ठीक है, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबल बारा, तो वही ट्रिक, ग्रेट पिक्स। ठीक है, यहाँ सी नहीं है, यहाँ के है पिक्स में। हाँ जी सर, तो ये कहाँ के हो गए आपके? हिमाचल प्रदेश के भैया नेशनल पार्क। ठीक है सर, कहाँ के नेशनल पार्क हो गए आपके?
हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के आपने देख लिए, डचिगम, किश्तवाड़, सलीम अली, हेमिस नेशनल पार्क, और हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबलवाड़ा। तो ये हो गया आपका, ये मान लो जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ए बी सी। ओके, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था? किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पड़ा है, जल्दी से बताइए। ए बी सी डी ऑप्शन है, बेटर हो उसको लगाइए। बिल्कुल सर, किश्तवर कहाँ पड़ा है? जम्मू कश्मीर। खीर गंगा नेशनल पार्क सर कहाँ पड़ा है? खीर गंगा। खीर गंगा किधर पड़ा है? बिल्कुल सी फॉर हिमाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया। हेमिस किधर था सर? हेमिस हेमिस बिल्कुल लद्दाख। तो भैया मेरे ख्याल से इतने तो सर आपके बैठ गए होंगे दिमाग में, ठीक है। सलीम अली, डचिगम, किश्तवर, हेमिस, जम्मू कश्मीर लद्दाख, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबल बाड़ा। तो चार ये, पांच ये, टोटल 9 नेशनल पार्क हो गए अभी तक आपके, ठीक है। चार ये, पांच ये, टोटल 9 नेशनल पार्क हो गए। कहाँ तक सर ये कहानी हो गई आपकी? हिमाचल प्रदेश तक। तो ये दो स्टेट्स, ये तीन जगह के, तो अभी मेरे ख्याल से तो अभी चिपक रहा होगा, बिल्कुल चिपक रहा होगा, ठीक है। ये दिक्कत नहीं देगा, मैंने कहा था नेशनल पार्क दिक्कत नहीं देंगे, रामसर साइट थोड़ा टफ होता है। लेकिन अब आप खुद सोचो, अब आप इतने टफ माइंड हो चुके हो कि आपने रामसर साइट तक याद कर लिया है, तो नेशनल पार्क सर क्या ही चीज़ है अब आपके लिए। अब तो सर बस आण दो, अब तो सब सर पढ़ डालेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी सर, अब आ जाइए उत्तराखंड। उत्तराखंड में सर आपका एक है वैली ऑफ फ्लावर। वैली ऑफ फ्लावर सर जो है वो आपका यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर यूनेस्को की हेरिटेज साइट भी है। तो उत्तराखंड आ गए सर। तो उत्तराखंड में एक तो सर अपना ओल्डेस्ट वाला था जिम कॉर्बेट, ठीक है। उत्तराखंड में एक अपना ओल्डेस्ट वाला था जिम कॉर्बेट। और उत्तराखंड में सर इंडिया की थर्ड हाईएस्ट पीक, और उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक नंदा देवी भी है। तो जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, और सर गंगोत्री नदी भी किधर मिलेगी? ये गंगोत्री ग्लेशियर भी आपको किधर मिलेगा? उत्तराखंड सर। ये वही गंगोत्री है जहां से आपकी कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। फिर ये अलकनंदा से मिलके ये अपना वो गंगा नदी बनाते हैं, ठीक है। तो गंगा का ओरिजिन कह सकते हो, ये किधर से निकल रही है? गंगोत्री। तो गंगोत्री ग्लेशियर भी आपको उत्तराखंड में मिलेगा। तो नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, ये तीन नेशनल पार्क तो आपको उत्तराखंड में बैठ ही गए कि नहीं बैठ गए? फिर भैया बचा राजा जी, ठीक है। फिर बचे राजा जी। राजा जी को क्या पसंद है? फूल पसंद है। तो वैली ऑफ फ्लावर, पूरी फूलों की वैली उनके लिए अवेलेबल है। राजा जी हैं तो वैली ऑफ फ्लावर्स है। और फिर
गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। कितने हैं सर? दो, दो चार, दो छह हैं। ठीक है, छह में से तीन तो है वही हो जाते हैं, छह में से तीन तो है वही हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? एक तो अपना जो ओल्डेस्ट है जिम कॉर्बेट, एक वो माउंटेन पीक है नंदा देवी, फिर एक सर अपना वो ग्लेशियर है गंगोत्री, फिर क्या है, फिर सर राजा जी हैं। अब सर अगर राजा जी हैं तो वैली ऑफ फ्लावर भी तो होगा, बिल्कुल होगा, राजा जी हैं तो वैली ऑफ फ्लावर भी होगा। और सर बस एक याद करना है आपको, पांच तो है वही हो जाते हैं, कौन सा याद करना है? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो ये छह के छह कहाँ होंगे सर? आपका उत्तराखंड में। जल्दी से इन्हें कमेंट में टाइप करिए, जल्दी से कमेंट में टाइप करके बताइए। जल्दी से कमेंट में टाइप करके बताइए ना। जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, गंगोत्री, फिर तीन कौन से बचे? राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर और गोविंद पशु विहार। तो ये छह नेशनल पार्क आपके कहाँ पर हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड के याद हो तो हिमाचल मत भूल जाना, ग्रेट पिक्स, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबल वारा। और हिमाचल के याद हो तो जम्मू कश्मीर मत भूल जाना, डचीगम, किश्तवर, सली मली, सिटी फॉरेस्ट। ठीक है, और जम्मू कश्मीर याद हो तो लद्दाख मत भूल जाना, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है सर, तो एक और स्टेट सर अपना कंप्लीट होता है, दैट इज और उत्तराखंड। ये हो गया सर उत्तराखंड। ठीक है चलो जी, अब देखो कंफ्यूजन कहाँ से स्टार्ट होगी, हिमाचल और उत्तराखंड में। ठीक है, ये मैं पहले से बता के चल रहा हूँ, हिमाचल और उत्तराखंड में कंफ्यूजन होगी। कई लोगों को तो इसमें कंफ्यूजन होती है कि सर सी वाला हिमाचल है कि डी वाला है। भैया सी वाला हिमाचल है, ठीक है, फिर डी वाला है यूपी से जुड़ा है वो उत्तराखंड है। ठीक है, जो नेपाल से जुड़ा है वो उत्तराखंड है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। चलो जी, अब मेरे को बताओ किश्तवाड़ नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ा है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क, क्या ऑप्शन लगाओगे आप? ए बी सी डी, चार ऑप्शन है आपके सामने। मेरा तो इनिशियल से कभी नहीं होता। अच्छा हाँ गामी जी, मैप तो काम आएगा ही आपको। ठीक है, मैप तो रखा करो आप, इस एक्स्ट्रा में काम आएगा। बिल्कुल सर, किश्तवर कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ये ऑप्शन। खीर गंगा नेशनल पार्क ये कहाँ मिलेगा सर?
खीर गंगा नेशनल पार्क। बिल्कुल, सी फॉर हिमाचल। ओके, अब मेरे को बताओ पिन वैली किधर मिलेगा सर? पिन वैली सर किधर मिलेगा? बिल्कुल सर, हिमाचल में ही मिलेगा पिन वैली भी। नेक्स्ट आप मेरे को बताओ, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क ये कहाँ मिलेगा सर? बिल्कुल, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क मिलेगा डी फॉर उत्तराखंड। तो यहां तक आपको पक्की हुए कि नहीं हुए, यस और नो में जवाब दीजिए। अगर यहां तक अगर आपको नेशनल पार्क याद हो गए तो प्लीज गिव मी थम्स अप। तो अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा, जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा, लद्दाख पढ़ा, हिमाचल पढ़ा, उत्तराखंड पढ़ा। ठीक है, जम्मू कश्मीर के तीन पढ़े, डचीगम किश्तवर सलीम अली, लद्दाख का एक हेमिस, हिमाचल के पांच पढ़े थे, ग्रेट ग्रेट हिमालयन पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबल वाड़ा, उत्तराखंड के छह पढ़े, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, गंगोत्री, फिर उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर, राजा जी, गोविंद पशु विहार। तो टोटल कितने हो गए? 4, 5, 9, 9, 6, 15। तो अभी तक टोटल अपन 15 नेशनल पार्क कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक टोटल कितने हो गए सर? 15 नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं, अब बात है सर यूपी की। देखो हम यूपी वाले सीधे सज्जन लोग हैं, हम ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, हमारे यूपी में दूध मलाई खा के बस हम लोग खुश रहते हैं। तो हमारे यहाँ एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, हम दूध मलाई वाले लोग, हमारे भैया एक ही नेशनल पार्क है, कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, अब देखो कल अगर एग्जाम में बोल दे दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है तो ये मत कहना सर टाइगर रिजर्व नहीं पढ़ाया, दुधवा जगह तो पढ़ी थी। दुधवा जगह से समझ जाना किधर की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, टाइगर, राइनोसोरस, लेपर्ड्स ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दुधवा नेशनल पार्क किधर मिलेगा सर? अपने उत्तर प्रदेश में मिलेगा। ऐसे ही सर हमारा पड़ोसी बिहार बहुत ही सज्जन राज्य है, वहां पर भी आपको कौन सा नेशनल पार्क मिलेगा सर? वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क? वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो हमारे यूपी में दुधवा नेशनल पार्क और बिहार में सर वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसी तरह से देखो बिल्कुल हम लोग परेशान नहीं कर रहे यूपी बिहार वाले, एक एक नेशनल पार्क है हमारे पास बस। झारखंड आ जाओ सर, झारखंड में भी सर एक ही नेशनल पार्क, क्या नाम है सर? बेटला नेशनल पार्क। झारखंड में सर नेशनल पार्क का नाम क्या है? बेटला नेशनल पार्क। तो अभी अभी आपने सर एक झटके में तीन स्टेट्स कवर कर लिए, ऐसा पॉसिबल था? बाकी किसी के साथ बिल्कुल नहीं था। एक हमने यूपी का पढ़ा, एक बिहार का पढ़ा, एक झारखंड का पढ़ा। बिल्कुल ईस्ट की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में सर अपना क्या है? दुधवा नेशनल पार्क।
बिहार में वाल्मीकि, और झारखंड में सर अपना बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, तो तीन नेशनल पार्क सर हमने एक झटके में कवर अप कर लिए, तो यूपी, बिहार, झारखंड। तो इसका मतलब सर हम लोग किधर बढ़ते जा रहे हैं, अपना ईस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमने यूपी देख लिया, बिहार देख लिया, झारखंड देख लिया। अब और ईस्ट बढ़ेंगे तो अब अगली बारी है वेस्ट बंगाल की। बट उससे पहले जल्दी से मेरे को बताओ, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? कहाँ पर है सर पिन वैली नेशनल पार्क? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पर है? अब देखो ऐसी छोटी छोटी कंफ्यूजन होंगी, पिन वैली और वैली ऑफ फ्लावर दोनों में वैली लगा है, लेकिन पिन को कनेक्ट करना है हिमाचल से, और वैली ऑफ फ्लावर फूलों की वैली, ये राजा जी के पास है, और राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, इसका आंसर लगाओगे उत्तराखंड। बहुत बढ़िया, अब आ जाओ सर अपना वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल आ जाओ। देखो वेस्ट बंगाल में एक सुंदर, वेस्ट बंगाल में एक सुंदर नया गोरा लड़का आया, ठीक है, उसका नाम था सिंह। वेस्ट बंगाल में सुंदर नया गोरा लड़का आया, उसका नाम था सिंह, और वो बॉक्सिंग करता था और जल्दी में बहुत रहता था। ठीक है, बॉक्सिंग करता था, जल्दी में बहुत रहता था। वेस्ट बंगाल में एक सुंदर नया गोरा लड़का आया, ठीक है, और उसका नाम था सिंह, और वो बॉक्सिंग करता था और जल्दी में बहुत रहता था, समझ रहे हो? तो सुंदर से हो जाएगा सुंदरवन, नया से हो जाएगा न्योरा, गोरे से हो जाएगा गोरू मारा, सिंह से हो जाएगा सिंगालीला, बॉक्सिंग से हो जाएगा बुक्सा, और जल्दी से हो जाएगा जल्दा पारा। तो दो दो चार दो छः, एक झटके में ये छह नेशनल पार्क कर लो। सुंदर नया गोरा लड़का आया भैया सिंह नाम का वेस्ट बंगाल में, सुंदर गोरा नया लड़का सिंह नाम का आया भैया वेस्ट बंगाल में, और वो बॉक्सिंग करता था और जल्दी में रहता था। सुंदर नया मतलब सर सुंदरबन, नया न्योरा वैली, गोरा गोरू मारा, नाम था उसका सिंह, सिंगा लीला, बॉक्सिंग करता था, बुक्सा, रहता था जल्दी में जल्दा पारा। कितने हो गए सर? 1 2 3 4 5 6, और ये छह नेशनल पार्क आपके रेडे हैं वेस्ट बंगाल के। सुंदर गोरा नया लड़का आया बॉक्सिंग करने जल्दी में, सिंह नाम का, ठीक है, सुंदरबन, न्यूरा, गुरु मारा, सिंगालीला, बक्सा, जल्दा पारा। ठीक है सर, सुंदरबन, न्यूरा, गुरु मारा, सिंगालीला, बक्सा, जल्दा पारा। तो सर ये छह नेशनल पार्क आपके किसके हो गए? ये छह नेशनल पार्क हो गए आपके वेस्ट बंगाल के। कोई दुखी लग रहा है मुझे आज क्लास में, तो बता सकते हैं आपके दुखी होने की वजह क्या है? कोई शिकायत है तो वो भी कर सकते हैं। हाँ जी सर, अब ये तो नहीं पता गामी जी।
अरे अपने मार्शल साहब तो खुश रहते हैं। हाँ तो सुंदर नया गोरू, सुंदर नया गोरा लड़का सिंह नाम का आया अपना बंगाल में और बॉक्सिंग करता था, जल्दी में बहुत रहता था। सुंदरबन न्योरा गोरू मारा, सिंगा लीला बक्सा जल्दा पारा। ठीक है सर, तो भैया एक बार फिर से देख लो। जम्मू कश्मीर कहाँ कहाँ के पढ़ के आ गए हम? जम्मू कश्मीर के, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इतने स्टेट्स के हमने पढ़ लिए। एक बार फिर से रिकॉल करो, जम्मू कश्मीर में तीन थे, डचिगम, किश्तवर, सलीम अली, सिर्ती फॉरेस्ट। लद्दाख में हेमेस। हिमाचल में सर पांच थे, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबलवाड़ा। उत्तराखंड में छह थे, याद करो, एक तो वही सर जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और गंगोत्री, फिर वैली ऑफ फ्लावर, राजा जी, गोविंद पशु विहार। छह यूपी में एक दुधवा, बिहार में वाल्मीकि, झारखंड में बेटला, वेस्ट बंगाल में छह। कैसे सर? वेस्ट बंगाल में छह याद करो, सुंदर गोरा नया मतलब सुंदरबन, गोरू मारा और न्योरा वेली, सिंह नाम का लड़का था सिंगा लीला, बॉक्सिंग करता था बुक्सा, जल्दी में रहता था जल्दा पारा। तो छह अपने वेस्ट बंगाल के, 3 + 1 = 4 = 9 = 15 = 17 = 18 = 24। तो 24 नेशनल पार्क टिल यट आप याद कर चुके हो, तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज लेट मी नो, और अगर ये 24 नेशनल पार्क आपको भी याद हो चुके हैं तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, तो ये 24 नेशनल पार्क तक अगर आप पहुंच चुके हो तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर, ठीक है यहाँ तक। ऑल राइट सर, चलो जी, इसी बात पे आप मेरे को बताओ, सिंबल बारा नेशनल पार्क कहाँ पर? सिंबल बारा, बिल्कुल सी फॉर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आप बताओ। चलो फिर नेक्स्ट आप बताओ, बेतला नेशनल पार्क। ए बी सी डी ई एफ जी एच, बेतला नेशनल पार्क कौन सा था? बिल्कुल सर, झारखंड। ठीक है, चलो जी, तो अभी तो मुझे लगता है ये 24 आपको याद रहेंगे, तो इनको फिर से एक बार रिकॉल करना आज क्लास खत्म होने के बाद, आंखें बंद करके वन बाय वन ये सारे नेशनल पार्क रिकॉल करना, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार फिर से इनको पढ़ के आना, रिवाइज करके आइएगा।
फिर इसके आगे के नेशनल पार्क नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि एक इन अ सिंगल गो हमें 11 नेशनल पार्क सिर्फ और सिर्फ आपके एमपी के याद करने हैं। तो अभी तो ये चार पाँच, चार चार पाँच पाँच चल रहे हैं, एमपी में सर आपके 11 नेशनल पार्क हैं, ठीक है? थीके? तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम वो पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।